Hello everyone, my name is Parneet Singh. I'm a Chinese language trainer and translator in Delhi NCR. So, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Chinese language को कैसे इम्प्रूव किया जाए. So, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि Chinese language को बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको बहुत ही टाइम लगता है करने में. एंड इवन कई स्टूडेंट्स इसको बीच में ही छोड़ देते हैं, मतलब कईयों ने तो स्टार्टिंग करी होती है और फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते, और रिजल्ट ना मिलने के पीछे बहुत कारण होते हैं. अगर आप चाइनीज लैंग्वेज को सही तरीके के साथ, तमीज के साथ एंड सही प्रोसेस फॉलो करके अगर आप इस लैंग्वेज को करते हो तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. सो चाइनीज लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है. जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आजकल चाइनीज कर रहे हैं, वो जॉब के पर्पज के लिए कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसलेशन की जॉब कर पाए किसी भी चाइनीज कंपनी में या दूसरी कंपनी में, ठीक है. या तो फिर कईयों को MBBS करनी है चाइना से, उसके लिए कर रहे हैं ताकि जब वो एडमिशन लेके वहाँ जाएं उनको कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए, वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएं नेटिव चाइनीज से. दूसरी साइड किसी को कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए भी आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी प्रिपेयर होके जाते हैं ताकि कोई भी लैंग्वेज का गैप ना आए, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना आए. एंड दूसरी साइड बिजनेसमैन भी आजकल काफ़ी चाइनीज सीख रहे हैं ताकि कोई लैंग्वेज गैप ना आए जब वो चाइनीज से बात कर रहे हों. सो अब हम बात करेंगे कि चाइनीज लैंग्वेज को इम्प्रूव कैसे किया जाए. मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपकी चाइनीज इम्प्रूव हो सकती है. लेकिन उससे पहले एक बात समझिएगा कि चाइनीज लैंग्वेज में हर किसी को अपनी प्रॉब्लम होती है. अब किसी को स्पीकिंग में इशू आता है, किसी को रीडिंग में आता है, किसी को लिसनिंग में ज़्यादा आता है, किसी को राइटिंग में आता है, ठीक है. और जैसे बहुत स्टूडेंट्स हैं उनसे उनको करेक्टर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको करेक्टर समझ नहीं आ रहे होते. अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है, उनको स्पीकिंग में ज़्यादा इशू होता है कि भाई चलो करेक्टर्स तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन स्पीकिंग का क्या, स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करें. और कईयों को लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है, चलो बोल तो लोगे आप तोड़ मरोड़ के जो भी आप बोल लोगे, लेकिन लिसनिंग में कैसे, जब हम पूरा सुन नहीं पाएंगे तो उसको आंसर कैसे दे पाएंगे, ये सबसे बड़ा इशू है. सो इन चारों के बारे में बताना, जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इन चारों पे बात करना, इन चारों को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में बात करना एक वीडियो में बहुत ही मुश्किल है. लेकिन मैं आपको अब कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे कि आपकी काफी इम्प्रूवमेंट हो सकती है. ओके, सो अब सबसे पहले बात करते हैं बिगनर्स के बारे में. बिगनर्स मतलब कि जिन्होंने अभी अभी चाइनीज लैंग्वेज स्टार्ट की है, मतलब कि जिनको 3 महीने या 6 महीने हुए हैं, या आप कह सकते हो जो HSK 1 या 2 लेवल तक हैं उनके लिए, ठीक है. तो इन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोनंसिएशन पे अपना ध्यान दीजिए. सी, प्रोनंसिएशन बहुत स्टूडेंट्स की गलत होती है, और जो आपने स्टार्टिंग में गलत सीख ली और वही आगे चलती है, फिर वही आप बाद में गलत उसको बोलते हो. सो इसको इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप स्टार्टिंग में जो भी वोकैबुलरी कर रहे हो, जो भी आप चैप्टर की वोकैब कर रहे हो या एक्स्ट्रा वोकैब अगर आप कर रहे हो, तो आप उसकी ऑडियो जरूर सुनिए. ज्यादातर बुक्स जो भी आपके पास हैं उनकी ऑडियोज अवेलेबल होती हैं, तो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत जरूरी है कि उस वोकैबुलरी की ऑडियो सुन के आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है. क्योंकि उस वर्ड को कैसे सही तरीके से बोलना है, 100% कैसे उसको सही तरीके से बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है SHUY, दैट इज शुए. अब कई इसको पढ़ते हैं स्वे, जो कि 100% गलत है. दूसरा जैसे कि वर्ड है LUI, दैट इज लुए, LUI, लुए. और कई इसको पढ़ते हैं लुई, गलत है. अब आई को ई पढ़ ही नहीं सकते, क्यों? आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आई जब वोवल के बाद आ रहा है तो उसकी साउंड ए में बदल जाती है. वो हिंदी वाला ए होता है ना, एनक वाला ए, उसमें बदल जाती है जब भी आई वोवल के बाद आ रहा है. तो यहाँ पे लुए में, LUI में यू एक वोवल है और आई वोवल के बाद आ रहा है, तो उसकी साउंड इसलिए चेंज हुई. तो ये बेसिक चीजें आपको स्टार्टिंग में ना पता होने के कारण आप उसको गलत बोलते हो वर्ड को, ठीक है. तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. कई स्टूडेंट इसमें भी बहुत गलती करते हैं, जैसे कि CHU, दैट इज छू, और QU, दैट इज छू. तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की इसमें साउंड सेम ही आती है, छू छू, ये गलत है. दैट इज छू एंड छू, छू छू, छू छू. तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंसेस. सो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले प्रोनंसिएशन पे जरूर ध्यान दें. सो आगे बढ़ते हैं. तो प्रोनंसिएशन के अलावा स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेंटेंसेस एंड कॉन्वर्सेशंस पे भी ध्यान दे.
आप चाहे कोई भी बुक रेफर कर रहे हैं, हर बुक के चैप्टर में ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी एंड उसी के बेस पे कॉन्वर्सेशंस होंगी, राइट। लेकिन होता क्या है, इन चैप्टर्स में जो कंटेंट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। किसी भी चैप्टर की एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन शॉपकीपर एंड अ कस्टमर। तो शॉपकीपर ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, ठीक है, और कस्टमर ने जवाब दिया कि आई वुड लाइक टू बाय अ वाटर बॉटल, ठीक है। तो शॉपकीपर ने बोला हां छी अंशन नी श्यांग माई शमा, हां छी अंशन नी श्यांग माई शमा। तो कस्टमर ने बोला वो श्यांग माई ई फिंग शुए, ठीक है। सो उसने बोला मिस्टर हैन व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, तो आंसर में उसने बोला आई वुड लाइक टू बाय अ वाटर बॉटल। अब इधर ध्यान दीजिएगा, आपने सिर्फ इतनी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी, इसमें आप थोड़ा एडिशंस करो, इसको स्ट्रेच करो जितना कर सकते हो। उसने जैसे बोला था मिस्टर हान ने कि मुझे पानी की बोतल खरीदनी है, ठीक है, अब आप उसके आगे वाई लगा दो, दैट इज वाई शमा, कि वाई यू वॉन्ट टू बाय अ वॉटर बॉटल। तो जब आप वाई लगाओगे तो उसके नीचे आपके 3 से 4 सेंटेंसेस बन जाएंगे, क्यों आप रीजन बता रहे हो क्यों आपको चाहिए, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। जितनी भी आपने वोकैबुलरी करी है, ग्रामर की है, सेंटेंसेस करे हैं, जो भी आपका लेवल है, आई एम नॉट सेइंग आप लेवल के बहुत आगे जाके उस सेंटेंस को पूरा करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, उस कॉन्वर्सेशन को पूरा करो, जितना भी आपने किया, जो भी आपके लेवल के हिसाब से आपको लगता है ये ठीक है, आप उसमें रीजन बताओ, ठीक है, जितनी भी वोकैबुलरी आपको आती है आप रीजन उसमें मेंशन करो। तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी में काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है। एंड जब भी आप कोई भी चैप्टर की वोकैबुलरी करते हो उसको सेंटेंसेस के साथ करो, उस वोकैबुलरी से सेंटेंसेस बनाओ, 2-3 जितने भी आप बना सकते हो, ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, इससे आपकी काफी इंप्रूवमेंट हो सकती है, ओके, बिकॉज आप पहले सोच रहे हो वो सेंटेंस, आप पहले सोचते हो या कॉन्वर्सेशन, आप पहले सोचते हो फिर आप उसको लिखते हो, और लिखने से क्या हो रहा है, आपकी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, आपके करेक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं, एंड सेंटेंसेस लिखने के बाद उसको रिपीट करो, उसको बोलो, इससे क्या होगा आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी, 3-4-5 बारी बार उसको बोलो, दैट वुड बी बेटर फॉर योर स्पीकिंग स्किल्स। क्योंकि क्लास में सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन पढ़ लेना उससे स्पीकिंग स्किल्स इतनी इंप्रूव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन आपने पढ़ी, दूसरी लाइन किसी और स्टूडेंट ने पढ़ी, ठीक है, तीसरी उसने पढ़ी, तो यही प्रोसेस चलता है, तो इससे आपको इतना बेनिफिट नहीं मिल सकता। आप जितना खुद से कर सकते हो करो, दैट इज बेटर। सो आपकी टीचर ने जितना भी आपको चैप्टर में पढ़ाया, तो जब भी आप खुद प्रैक्टिस करने बैठते हो तो मेक सेंटेंसेस एज मच एज यू कैन। सो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो HSK 3 या 4 कर रहे हैं, या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए। सो इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पैराग्राफ्स बनाना। सी, मेरी बात ध्यान से समझना कि एक तो मेरा पहले वाला प्रोसेस था जो मैंने अभी बताया कि आपने एक चैप्टर किया, उस चैप्टर में थे वोकैबुलरी, वोकैबुलरी के बेस पे आपने सेंटेंसेस बनाए जितने आप बना सकते थे, एंड आपने कॉन्वर्सेशन बनाई, ठीक है, और आपने उसको बोला लिखा, जो भी आपने किया, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये सब तो आपको करना ही करना है। लेकिन इसके अलावा आपके लिए बहुत जरूरी है पैराग्राफ्स बनाना। वो क्यों जरूरी है वो भी मैं बता देता हूं। तो जब भी आप कोई पैराग्राफ बनाते हो, आप किसी भी टॉपिक पे लिखते हो, तो उससे क्या होता है आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव होती हैं, ठीक है, एंड लिखने के बाद आप उसको रीड करो 3-4 बार 5 बार, आप उसको पढ़ो एंड उसके बाद बिना देखे बोलो। आप ट्राई करो कि आप उसको बिना देखे बोलो जो भी आपने लिखा है, इससे क्या होगा आपकी काफी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होंगी। एंड जब भी आप कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो या आप उसको बिना देखे बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको तेज बोलना चाहिए, अपने मन मन में मत बोलो, ठीक है, आप उसको तेज बोलो, बी लाउड एज मच एज यू कैन, क्योंकि इस प्रोसेस से काफी इंप्रूवमेंट आती है स्पीकिंग स्किल्स में, ओके। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप किसी भी टॉपिक पे पैराग्राफ्स बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए चाइनीज लैंग्वेज में, मतलब कि चाइनीज में आपको बोलना उन टॉपिक्स पे जरूर आना चाहिए। सो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूं जिनके बारे में आपको चाइनीज लैंग्वेज में जरूर पता होना चाहिए। सो सबसे पहले आपको अपने बारे में बोलना चाइनीज लैंग्वेज में जरूर आना चाहिए, ठीक है, ये जो मायसेल्फ होता है आपको अपने बारे में जरूर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो CV है, ठीक है, ये आपको चाइनीज लैंग्वेज में पता होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपका ग्रेजुएट हुए, ये सब
चाइनीज लैंग्वेज में आपको जरूर पता होना चाहिए। बेसिकली आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए अपने आप को चाइनीज में, क्योंकि आपका कभी भी इंटरव्यू हो सकता है या जब भी इंटरव्यू है आपका, ठीक है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको तब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही अपने बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये कहीं भी काम आ सकता है आपके। एंड दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आप डेली रूटीन पे बना सकते हो कि आपके आज के प्लान्स क्या हैं, कि आप आज क्या क्या करोगे, या फिर आपने आज पूरे दिन में क्या किया, आप इस पे भी बना सकते हो। एंड इसके अलावा आप एक और टॉपिक ले सकते हो जैसे कि व्हाई आई एम डूइंग चाइनीज या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग चाइनीज, तो आप इस पे भी काफ़ी कुछ लिख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा जो भी मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि पैराग्राफ बनाने से होता क्या है, पैराग्राफ बनाने से आपकी चाइनीज काफ़ी इंप्रूव होती है। ओके, बिकॉज जब भी आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हो, ठीक है, आपको ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आप ग्रामर उसमें यूज करो, आपकी ग्रामर रिवाइज हो रही है अच्छे से, एंड आपने जो वोकैबुलरी करी है वो वोकैबुलरी आप यूज कर रहे हो उसमें। और हो सकता है ज्यादातर टाइम यही होता है कि आपको नई वोकैबुलरी की जरूरत पड़ेगी, आपने जितनी अभी तक वोकैब की है उसमें हो सकता है वो वर्ड्स ही नहीं गिवन हो, आप फिर डिक्शनरी में सर्च करोगे या इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आप उसमें एड ऑन करोगे, और जब आप एड ऑन करोगे तो आप सीखोगे ही उससे, ठीक है। सो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है पैराग्राफ्स बनाना। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप चाइनीज इंटरप्रिटेशन की जॉब के लिए जाते हो, जब आप ट्रांसलेटर का काम करते हो, तो वहां पे आपको बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग में बहुत तरह के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे एक आधा सेंटेंस की बात नहीं होती, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी कॉन्वर्सेशन होती हैं जो हमें एट अ टाइम ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं, ठीक है, उसी टाइम हमें उसको ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडियंस की बात चाइनीज को कहनी है, या चाइनीज की बात कुछ इंडियन को कहनी है, जो भी उनको इश्यूज आ रहे हैं या मीटिंग्स में जो बातें हैं, तो वहां पे आपको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो उसके लिए आपकी चाइनीज की जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो लिसनिंग स्किल्स हैं, स्पेशली अगर मैं चाइनीज कंपनी में बात करूं जैसे वहां पे काम होता है, खासकर जैसे कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे जो काम होता है, तो इनके लिए आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो लिसनिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वो आपकी पूरी की पूरी इंप्रूव होनी चाहिए। एंड बात रही टेक्निकल स्टफ की, तो वो जो टेक्निकल स्टफ है वो आप उस कंपनी में रहते रहते ही सीख जाओगे। टेक्निकल स्टफ मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बैटरी बनाती है, तो बैटरी बनाने का प्रोसेस हो गया, बैटरी बनाने के लिए जो पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हो गए, जो उनकी मशीनें होती हैं, जो मशीनों के पार्ट्स होते हैं वो कैसे ठीक होती है कैसे नहीं होती, तो ये सारा जो स्टफ है, ये सारा जो टेक्निकल स्टफ है, ये आप उस कंपनी में रहते रहते ही सीख सकते हो। लेकिन बाकी का जो बेसिक है, जो बेसिक कॉन्वर्सेशंस हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि चाइनीज लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसको एक वीडियो में कवर अप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी बिजनेसमैन को चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी चाइनीज कर रहा है, उसको स्पीकिंग इम्प्रूव करने में प्रॉब्लम आ रही है या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकिंग चाइनीज के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, हमारी अलग से क्लासेस चलती हैं जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताए आज इस वीडियो के थ्रू आपको अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है चाइनीज लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं।